तो वहीं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही प्रशासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार प्रसार गांव गांव तक किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बदलाव माओवादी कैडर में दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी कैडर का आत्मसमर्पण देखने को मिल रहा है। 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर करते हुए लोन वराटू अभियान के तहत ASP राजकुमार बर्मन के समक्ष पुलिस कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास योजना के तहत 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। दंतेवाड़ा से विजय पचौरी की रिपोर्ट। तो ये बताना चाहूंगा कि जो 35 आत्मसमर्पित जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया हमारे पास, उसमें विशेष योगदान में 111 बटालियन CRPF, RFP, CRPF और DIG का विशेष योगदान रहा है। उसमें हमें लगभग 35 आत्मसमर्पित माओवादियों ने समर्पण किया है। इससे जो लोन वराटू अभियान है, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है और जो दंतेवाड़ा जिले का लोन वराटू अभियान घर वापस आई अभियान है, इसका मैं समझता हूँ व्यापक असर है, जिसकी वजह से भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 796 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 180 इनामी माओवादी है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले महीने अप्रैल में लगभग 76 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था और मई में अभी 35 ने समर्पण किया है। इनको पुनर्वास नीति, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये दिया जाएगा और जितने अन्य शासन की जो सुविधाएं जो बेनिफिट्स है वो भी उनको मुहैया कराया जाएगा।